विष्णु शंकर जी, मैं वही सवाल जो हरिशंकर जी से यहाँ पर पूछ रही थी कि ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 की अगर हम बात करें, वो पहली अग्नि परीक्षा तो ठीक है पार कर लिया और उससे हिंदू पक्ष की उम्मीदें जगी है, लेकिन आगे आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो ये पहला पड़ाव है जो पार हुआ है, पूरा ट्रायल पड़ा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ट्रायल के लिए हम लोग तैयार हैं। जो इस केस में गवाही है उस गवाही को हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, जो इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल होना है उसकी तैयारी हो चुकी है, और उसमें कुछ चीजें रह गई हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में एडवोकेट कमीशन को ऑर्डर किया था। एडवोकेट कमीशन वो टीम है जो वहां पे जाके कोर्ट को वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराएगी। उस ऑर्डर को अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, तो वो एक अड़चन इस केस में आगे बढ़ने में आ रही है, तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे ASI द्वारा सर्वे होना बहुत जरूरी है। तो अभी ऑर्डर 7 रूल 11 की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, पर आगे की जो लीगल कार्रवाई है उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है हम लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट से जब क्लियरेंस मिलेगा तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का दौर कंप्लीट हो गया। विष्णु शंकर जैन जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात कही है कि उम्मीद है, हमें उम्मीद है, जैसे काशी से है, जैसे अयोध्या में साकार हुआ है, वैसी उम्मीद हमें है। जरा ये बताइए, जब हम कहते हैं कि हमारे पास कागजात है, जब हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग ये बताता है कि ये जो 13 एकड़ की करीब जमीन है ये हिंदू पक्ष की है, फिर भी अगर मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि यहाँ पर मस्जिद ही थी, उन तमाम जो दलीलें हैं उन्हें खारिज करता है, तो ये बात कहाँ जा रही है? क्या सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है, मानने से इनकार किया जा रहा है? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक नोटिफिकेशन है 25 नवंबर 1920 का, और ये विष्णु शंकर जैन या किसी हिंदू पक्ष का नोटिफिकेशन नहीं है, ये ASI का नोटिफिकेशन है उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट। विष्णु शंकर जी का फ्रेम भी फ्रीज हो गया है। विष्णु शंकर जी लौटेंगे हम, लेकिन अतीकुर रहमान जी आ रही हूं, सूर्य मैथिल जी एक काउंटर रिएक्शन लेकर फिर मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन अतीकुर रहमान जी, हर बार विरोध, हर बार ये परेशानी, इतनी परेशानी क्यों? और जब कोर्ट ये कह रहा है, और जब कोर्ट की बात जब्बाद साहब भी कह रहे हैं कि हम मानते हैं, कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हालांकि ये बड़ा अपने हिसाब से मानने वाली चीज हो जाती है, तो फिर तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना अगर मानते हैं तो। अतीकुर रहमान जी को प्लीज आपने मेरे से करा है। चलिए उनसे संपर्क टूट गया है, अतीकुर रहमान जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन रंगरेज साहब को भी अब हम लाते हैं चर्चा में, शामिल करते हैं। रंगरेज साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? कोर्ट का अगर रुख करना, लीगली अगर हम चल रहे हैं और कोई चीज हो रही है तो उसमें तो आस्था रखनी होगी, उसमें विश्वास रखना होगा। नहीं, कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कोटा विद इन कोटा को लेकर के। बहुत एक जबा जी, जबा जी, रमेश जी को बोल लेने दीजिए, फिर लौट रहे हैं आपके पास। मैं करते हैं मंदिर की बात करते हैं, सब कब्रिस्तान की बात करने चाहते हैं, वो चाहते हैं कि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाया जाए। किस तरीके से देश में ये जो नफरत की राजनीति है ना, उसको बार उसको बढ़ावा देने के लिए, मगर उन्होंने संविधान की कसम खाई है कि हम सब धर्म के लोगों को साथ लेके, मगर वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंत्री बनाइए, दे दीजिए। तब एक मसला 1967 में साहब, आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम लौटेंगे वापस। सूर्य मैथिल जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आचार्य विक्रमादित्य जी का भी और स्वामी जी का भी रुख करेंगे। धन्यवाद। देखिए आचार्य आचार्य जी ने जो राजमिश्रा जी ने कहा ना कि कागज कहाँ है आपके, तो कागज तो ये दिखाएंगे नहीं और चिल्लाएंगे। एक और चीज मैं आपको अभी ताजा उदाहरण दे रहा हूँ, पटना के पास में एक हिंदू गांव है जिसको वक्फ बोर्ड ने अपना बना दिया और कह दिया कि आप खाली करो इसको, पटना सचिवालय से मात्र 35 किलोमीटर दूर। और जब हाईकोर्ट ने पूछा कि कागज कहाँ है, तो ये बोलते हैं कि कागज तो नहीं है जी, लेकिन खाली करो, हमारा है। यही हाल हर जगह है। आप मानिए हिमानी जी, जिस प्रकार से विष्णु शंकर जैन जी ने बताया कि उस जो 13 एकड़ जमीन है वहां पर जो पहले एग्रीमेंट हुआ था, उस समय में इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए फेक एग्रीमेंट करवाया था। उस फेक एग्रीमेंट के अंदर जिस प्रकार से वो 2.5 एकड़ का जो मामला है, उस 2.5 एकड़ के अंदर जिस प्रकार से एक नकली ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट को उसका ऑनरशिप देकर और फिर यहाँ एग्रीमेंट कर दिया गया था, इनको दे दिया गया था शाही मस्जिद को, उसकी असलियत अब सामने खुल रही है।
और आखिर क्या परेशानी है, मैं तो पूछना चाहता हूँ। जितनी भी लंबी फौज आपने बनाई है, ये जितने भी चिल्ला रहे हैं, अरे भैया कागज दिखाने से परेशानी क्या है? आखिर क्या कारण है कि तुम्हें कागज दिखाने में दर्द होता है? कागज तुम्हारे पास है नहीं, मालिक तुम पूरे हिंदुस्तान के बनते हो। अरे कागज दिखाओ, सामने आओ और कहो कि ये हमारी है और देश के संविधान में आपको हर एक अधिकार प्राप्त है। आप चिल्लाते भी हो, हमला भी करते हो, दंगा भी करते हो, फिर कहते हो कि हम तो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक की स्थिति क्या है बांग्लादेश में देख रहे हो ना? देख रहे हो ना किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है, माँ बहन बेटी के संग बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू अधिकारियों को इस्तीफे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये होता है अल्पसंख्यकों पे अत्याचार। ये नहीं कि ये इतनी लंबी चौड़ी फौज यहाँ बैठा कर आप लोगों से डिस्कशन किया जा रहा है। चिल्लाइए मत यहाँ बैठ कर, ये धंधा मत कीजिए यहाँ पर। अरे चलिए बांग्लादेश छोड़िए, अभी कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए। आज कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव डिक्लेयर हुए ना, क्या हुआ था 1990 में? आप लोगों ने अलीफ गलीफ गलीफ कहकर ठीक है हमारे कश्मीरियों को, ठीक है। हरिशंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, सर आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए लगातार जो ये पूरा विवाद निकलकर सामने आ रहा है, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसे किस तरीके से अब देखा जाए, क्या समझा जाए, किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप? देखिए योगी जी ने जो बयान दिया है स्वागत योग्य है, और कोई भी ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा जिसने कानून और इतिहास के बारे में पढ़ा है उनके बयान का विरोध नहीं कर सकता। देखिए बड़ी साफ बात है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़कर ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई, इसको आज नहीं तो कल हटना ही पड़ेगा। और यही नहीं, अब दौर हुआ गया है कि जितनी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं एक एक करके सब हटेंगी। समय रहते मुस्लिम को चाहिए कि पुरानी गलती सुधारे और जितनी मंदिर को तोड़कर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उनको छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनको आज नहीं तो कल कब्जा छोड़ना पड़ेगा। देखिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, ये सारे शास्त्रों में सदियों से है और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बात का प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है, धार्मिक प्रमाण है, वेद और शास्त्र में प्रमाण है, तो प्रमाण कम नहीं है। अब सवाल ये कि आपने जबरदस्ती कब्जा कर कर हमारी जगह पर घुस गए, वो आज बड़ा तेजी से आप बात कर रहे हैं और जिस ढंग से बात कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता, वो अच्छी बात नहीं है। किसी देश में जो संविधान से गवर्न होता हो इस तरह से जिद करना और कानून का मखौल उड़ाना कायदे की बात नहीं होती। मैंने ये देखा कि जितने मुस्लिम पक्षकार हैं केवल ये बताने में लगे हैं कि हमारी मस्जिद है, और जब कुछ नहीं होता तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं। भैया इस केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। 1920 में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अधिकृत कर लिया था और तब से उनके कब्जे में चली आ रही है और नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ये कहना पुराने विवाद को आप उठा रखे हैं, लेकिन स्वामी जी, स्वामी उपमन्यु जी वो ये कह रहे हैं कहीं तो ठहरेंगे आप कहीं तो रुकेंगे, या राम मंदिर के बाद आप मथुरा, फिर उसके बाद आगरा, मतलब इससे क्या आपको नहीं लगता है कि सौहार्द खराब होगा? क्या सौहार्द या गंगा जमुनी तेजी की जो आप बात कर रहे थे क्या उन्हीं का अधिकार है, आपका नहीं है?